नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। खबरों के माध्यम से बताया गया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या की जा रही है। इस पर वहां के पुलिस ने ट्विटर पर भी ट्वीट किया और वीडियो को भ्रामक बताया। बिहार पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया और बिहारी के डीजीपी ने तमिलनाडु राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी भी ली है। कल शाम सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो नए मंत्रियों का नाम एलजी विनय सक्सेना को भेज दिया है। केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तारीफ करते हुए कहा है कि ये दोनों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के काम को अब दुगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही जदयू से रिश्ता खत्म कर लिया हो, लेकिन अब भी नीतीश कुमार के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ है। यह बात उन्होंने एक बार फिर से दोहराई है। रालोजित अध्यक्ष ने कहा है कि पहले मुझे नीतीश कुमार पर गुस्सा आता था कि वह क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब गुस्सा करने की जगह उन पर दया आती है। एक मुख्यमंत्री सदन में अपने मंत्रियों के कारण गिरगिरा रहा था, जो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। दिल्ली में आज G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। इस बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस ग्रुप के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच हम पहली बार एक मंच पर आए हैं। इस वक्त दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि इन मुद्दों पर विचार करते हुए हम हमेशा एकमत नहीं हो सकते। कुछ मामलों पर गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें भी एक आम सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गलवान शहीद जयकिशोर सिंह के पिता राजकिशोर सिंह को जमानत मिल गई है। एडीजे नवीन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने 10,000 रुपए के दो मुचलके पर जमानत दिया है। उनकी गिरफ्तारी का मुद्दा पुलिस के लिए गले की फांस बन चुका है। इस मामले में विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश को भी फोन घुमाया था। यही नहीं, सेना भी पीड़ित शहीद के परिवार के घर पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनाएगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले 24 नवंबर को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस अदालत ने पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने में केंद्र द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी फाइल 24 घंटे में विभागों से बिजली की गति से पास हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, क्यों नहीं, वो पीएम क्यों नहीं बन सकते, इसमें गलत क्या है। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जब हम सभी एकजुट होंगे और जीतेंगे, उस समय वे तय करेंगे कि इस देश का नेतृत्व करने और एकजुट करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में एजेंडा 2025 दृष्टि बिहार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बिहार हर क्षेत्र में आगे है, तो बिहार पिछड़ा क्यों। भाजपा सांसद ने कहा है, मैं इसी एजेंडे को लेकर लोगों के बीच जा रहा हूं। यह सवाल 14 करोड़ बिहार वासियों का है। आप चुनकर लोगों को सत्ता बिठा देते हैं और आपकी चिंता कोई नहीं करता है। बिहार के 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष पदों पर बिहार के लोग कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस गिर गया है और इसके परिणाम विकासशील देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए लोन के बोझ से जूझ रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाले ग्लोबल वार्मिंग में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देश को अब तक 10 वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी हैं। हालांकि देश में वंदे भारत ट्रेनों पर लगातार काम चल रहा है। इसी कड़ी में इनकी मैन्युफैक्चरिंग व रखरखाव के प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियों ने बोली लगाई है। इसमें रूस की फर्म ट्रांसमैस होल्डिंग और रेल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त उद्यम ने 200 लाइट वेट वंदे भारत ट्रेनों के मैन्युफैक्चरिंग व रखरखाव के लिए सबसे कम बोली लगाई है। होली में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने घर वापस आते हैं। बिहार के मूल निवासी एक भारी संख्या में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बिहार अपने सुविधा के अनुसार ट्रेन या हवाई जहाज से आते हैं। ऐसे में अगर यात्री हवाई जहाज से सफर करते हैं तो यात्रियों को अब पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा देना होगा। अडानी हिंडनबर्ग केस के जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस एएम सप्रे करेंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एक आंकड़े के अनुसार आज के समय में 55% मार्केट पर डिजिटल मार्केटिंग का कब्जा हो गया। मौजूदा समय में हर व्यापारी दुकानदार अपने माल को दुकान के साथ साथ डिजिटल माध्यम पर भी बिक्री करने के लिए उपलब्ध करा रहा है, जिससे उसकी सेल बढ़ रही है। डिजिटल सेक्टर में लगातार हो रहे विकास के कारण लाखों नौकरियां युवाओं के लिए सृजित हो रही हैं। वहीं एक आंकड़े के अनुसार आज के समय में 55% मार्केट पर डिजिटल मार्केटिंग का कब्जा हो गया है।
दिल्ली का कायाकल्प करने के लिए अब दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA ने बड़ा कदम उठाया। मास्टर प्लान 2041 के जिस मसौदे को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी दी है उसका पूरा जोर विकास, पर्यावरण के स्थिरता, ग्रीन इकोनॉमी और बुनियादी ढांचे पर है। इस प्लान के 3 लक्ष्य हैं। DDA के इस मास्टर प्लान को कुछ इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि राजधानी के आगे न्यूयॉर्क जैसा शहर भी फीका ही दिखेगा। वही रात में चलने वाले कारोबारों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ ही इसको सुधारा जा सके। कोरोना महामारी के बाद विश्व ने नई चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे में भारत ने इन चुनौतियों से निपटने में पूरी दुनिया के सामने एक अहम भूमिका निभाई है। बिल गेट्स ने बुधवार को कहा है कि कोविड महामारी के पहले 25 हफ्तों में वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र की 25 साल की प्रगति नष्ट हो गई और तीन साल बाद अधिकांश देशों की स्वास्थ्य प्रणाली अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि महामारी ने भारत में इनोवेशन को आगे बढ़ाया है। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मामलों की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ आज बेहद गुस्से में दिखे। नर्म लहजे में बात करने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने काफी ऊंची आवाज में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह से अपनी कोर्ट से बाहर निकल जाने को कहा। ऐसा तब हुआ जब वकीलों के चैंबर से जुड़ा एक मामला कोर्ट के सामने रखते हुए विकास सिंह ने चीफ जस्टिस के घर के बाहर धरना देने की बात कही। अडानी हिंडनबर्ग मामले के गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत का कहना है कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाए। उद्योगपति गौतम अडानी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि सत्य की जीत होगी। G20 शिखर सम्मेलन से पहले भारत में मंत्री स्तर की बैठकें जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को 2 दिवसीय विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ साथ आना होगा, दुनिया में विकास का एक संतुलन बनाना होगा, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का लक्ष्य होना चाहिए। PM मोदी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। खालिस्तान समर्थक और सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह द्वारा भारत के खिलाफ विवादित बयान देने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब उन्होंने कहा है कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि लाहौर और ननकाना साहिब के बिना पंजाब की तस्वीर नहीं बनती है। इससे पहले अमृतपाल ने कहा था कि वह अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं। एक न्यूज एजेंसी को दिए साक्षात्कार में अमृतपाल ने कहा था कि भारतीय पासपोर्ट के एक दस्तावेज और इससे वह भारतीय नहीं बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। पीठ ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों के वोट पर चलता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव विवादों से मुक्त हो और निष्पक्ष तरीके से काम करे। नित्यानंद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर सभी महिला प्रतिनिधि मंडल के बारे में जानकारी के साथ संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। उसने कहा है कि प्रतिनिधि मंडल ने निर्णय लेने की प्रणाली में महिलाओं के समान और समावेशी प्रतिनिधित्व पर चर्चा में भाग लिया। इन बातों से इतर संयुक्त राष्ट्र कैलासा को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कहा है कि टिप्पणियां तब की गई जब मंच को जनता के लिए खोल दिया गया था। CBSE बोर्ड ने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है। साथ ही छात्रों व अभिभावकों से अपील किया है कि वो अफवाहों से दूर रहे। बोर्ड परीक्षा को लेकर अफवाहों और फर्जी सूचनाओं को लेकर आगाह करते हुए बोर्ड ने कहा है कि कई असामाजिक तत्व इंटरनेट मीडिया पर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, अब इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने देश में सिख धर्म स्थलों के मैनेजमेंट पर पकड़ मजबूत और भारत में सिखों को भड़काने की कोशिशें तेज कर दी है। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने बुधवार को CNN न्यूज 18 को यह जानकारी दी है। पाकिस्तान सरकार ने इस साल जनवरी में ISI के एक अधिकारी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का CEO नियुक्त किया है। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की देखरेख करने का काम सौंपा गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मेरे पास घर नहीं है वाले बयान पर बुधवार को BJP ने चुटकी ली है। वायनाड BJP ने कलपेट्टा के नगर पालिका सचिव को एक आवेदन देकर कांग्रेस नेता के एक घर की मांग कर दी है। BJP नेताओं ने आवेदन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने और उन्हें मकान व जमीन देने का अनुरोध किया है। BJP वायनाड जिला अध्यक्ष KP मधु ने बताया है कि वे राहुल गांधी के लिए कलपेट्टा में एक घर और जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो जिले के केंद्र में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने चंद्रयान 3 मिशन के रॉकेट इंजन का तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। इस परीक्षण को C-20 क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट कहा जाता है। बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन की मदद से चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में तैरने वाले उपग्रह से ऊपरी हिस्से को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और शक्ति प्राप्त होती है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है लेकिन सभी राजनीतिक दल मिशन 2024 के मोड पर उतर चुके हैं। BJP केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने की कवायद में जुटी है तो विपक्ष नरेंद्र मोदी को हर हाल में रोकने के लिए ताना बाना बुनने लगा है।
ऐसे में कांग्रेस ने रायपुर के 85वें अधिवेशन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकजुटता वाला 2004 का यूपीए फॉर्मूला सामने रखा है। कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने की बात कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार से कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान बेलगावी में उन्होंने भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा हाल ही में जब एयर इंडिया ने बोइंग और एयरबस को 470 विमानों का ऑर्डर दिया, यह एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर था। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में काम करने वाले सभी एरोस्पेस और सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी इस आदेश से लाभ होगा। बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो सकती है। इसके अनुसार बैंक एम्प्लॉय के लिए जल्द 5-day week की सुविधा लागू हो सकती है। इसको लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ एम्प्लॉयज के बीच सहमति बन गई है, लेकिन महीने में 2 छुट्टियां बढ़ने से बैंक कर्मियों के वर्किंग आवर बढ़ा दिए जाएंगे। भारत ने चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चाय के लिए एक विशिष्ट ब्रांड बनाने और इस उद्योग के साथ जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। भारत दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश और ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात दायित्वों को पूरा करने के मामले में आत्मनिर्भर है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह समूचे विपक्ष के निशाने पर है। अडानी के साथ विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी एक सीरीज चला रही है जिसका नाम है हम अडानी के है कौन। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस सीरीज के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल दागे और कहा कि पीएम मोदी सवालों से भाग नहीं सकते। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, एमडी नौसाद रजा, एमडी शाकिर हुसैन, विपिन वर्मा, स्वर्णेश्वर, महमूद अंसारी, एमडी सनाउल्लाह अंसारी, अनिल झा और अर्जुन राम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।